वेलकम बैक, आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। शिफा आपको भी एक मरतबा फिर ईद मुबारक। एक चीज समझ में नहीं आई है, क्या ये जो आप हाथ जरा अपना लेफ्ट हाथ उठाए, लेफ्ट लेफ्ट, ये एक हाथ पे आपने क्यों मेहंदी लगाई? ताकि राइट से काम कर सकूं उस वक्त, दोनों हाथ ऑक्यूपाई ना हो जाएं। अच्छा, काम वाम भी करने होते हैं। और क्या नाज़रीन, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, नॉट वेरी कॉमन। असल में कुछ लोगों के साथ आप काम करें तो कॉमन सेंस चली जाती है, ऐसा भी होता है। ये भी मसाइल हैं जो कि मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल हमारे मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और बताइए शिफा फुल एंटरटेनिंग, आप इनको देखेंगे आपको मजा आएगा, क्योंकि हम भी जब इनको देखते हैं तो हमें मजा आता है। yes, और ऐसा वैसा मजा आता है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान, मैं जरा गिन लूं कि कितनी कितनी चीजें ये करते हैं, होस्टिंग बिल्कुल हमारे हमारे जैसे ही किरदार में रोल में ये पाए जाते थे कुछ अर्से पहले तक, लेकिन फिर इन्होंने एक और किरदार में खुद को ढाला और इन्होंने एक्टिंग की तरफ भी जो है जोर आजमाई करते रहे। तो होस्टिंग की है, एक्टिंग की है, मिमिक्री में तो इनका बड़ा नाम है, आप नाम सुनेंगे तो खासा निकलता है एक। और इसके अलावा भाई लिखने लिखाने से भी शक्ल रखते हैं, बिल्कुल। तो मतलब जो बंदा पढ़ता लिखता है वही उसको डिलीवर कर पाएगा मिमिक्री के अंदाज में। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जनाब शफात अली साहब, वो स्टैंड अप कॉमेडी भी रहती है भाई, बिल्कुल। सामान इतना है कि शफात भूल गए, सॉरी। शफात अली हमारे साथ नाजरीन मौजूद है, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। वैसे आपने सारी बातें जो की ये मेरे मुतालिक की है, और क्या, हम कभी कभी करते हैं तारीफें, आप हजम कर लें इसको, हमेशा नहीं होती ये। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी अभी रमजान खत्म हुए, क्यों अपनी नेकियां खराब करते हैं। नहीं चले चले, आप ऊपर बता दीजिएगा, ये करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे तो। हाँ। आप नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है वैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे मुर्शद, आपसे तो देखें, आप तो मुर्शद हैं, आपसे तो जाहिर है हम बात कर नहीं सकते। हाँ, शिफा के साथ अब ये है कि मैंने कुछ बहुत सारे पुराने हिसाब चुकता करने हैं, तो वो मैं इंतजार में हूँ। अच्छा। इनसे किसी दिन कोई भरपूर किस्म का जो है ना वो क्या कहते हैं मलाखड़ा हो। आप क्यों भाई, मैंने मैंने कोई आपकी खानदानी जमीन खाई है, कब्जा किया हुआ है, बताएं। इस पर आते हैं, लेकिन हमारी जो दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका भी तारुफ करवाएंगे। और आप पाकिस्तानी ड्रामों की स्क्रीन पर देखें, हाँ। तो एक बड़ी यंग सी चुलबुली सी एक लड़की आपको नजर आती है, एडोरेबल बाबी डॉल टाइप की, लेकिन वो किरदार नेगेटिव भी बड़े कर लेती है, ये उनकी अदाकारी में बड़ी खास बात है। और आज बाय चांस ऐसा हुआ है कि हमारे पास दोनों मासूम दिखने वाले प्यारे प्यारे चेहरे पे ना जाइएगा वाले, जिनके बारे में जुमला कहते हैं ना, वो दोनों जो है वो विलेनिश किरदारों में आपको टीवी पे नजर एक आएगा और एक आई है। रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट की भाई, माशाल्लाह। रीज मुहिद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? कैसा गुजरा आपका रमजान? बहुत अच्छा, मसरूफ था। ट्रांसमिशन का बताएं सबसे पहले, एक एक्टर होता है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, फिर ट्रांसमिशन की तरफ आ जाएं जहां पर कुछ कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से होस्टिंग की है, और पूरा रमजान लाइक 30 डेज, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई थिंक इस्लामी लाइक उससे भी मुझे थोड़ी सी कनेक्शन हुई, कनेक्टिविटी हुई। एक नए सीरीज से मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की, और जब आपके पास इतने मतलब एजुकेटेड लोग मौजूद होते हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, और फिर आपके बहुत से सवाल के जवाब वो दे देते हैं, आपका खुद का अपना एक लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। एक्जैक्टली, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ, मुझे एक नया एक्सपीरियंस था। तो आपको ये अंदाजा हुआ कि ये होस्टिंग कैसा आसान काम है, मुश्किल है? एग्जैक्टली, और खासतौर पर जब आप लाइव कोई ट्रांसमिशन कर रहे हो तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद मुझे ना आप लोगों को देख के अब इतना अच्छा लग रहा है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट द पेन दैट वी गो थ्रू। यस, एंड द गेन आल्सो। इससे इससे ज्यादा तारीफ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा मैं, बैठे बैठे रहिए। आपने सिर्फ पेन की बात की, द गेन आल्सो। अच्छा, ये बताएं कि ईद अब गुजरने का गुजारने का क्या सिलसिला होता है? अरीज पहले आप बताएं, फिर शफात की तरफ भी चलते हैं। ईद कैसे गुजारती हैं? दिन सुबह उठ गई, अपनी रूटीन बताएं ईद की। ईद की रूटीन यही होती है कि हम सुबह उठते हैं, मर्द हजरात बाहर जाते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं। ख्वातीन पर पाबंदी होती है? नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाते, हम घर में ही होते हैं ना ज्यादातर। लेकिन वैसे ख्वातीन को भी ईद की नमाज के लिए बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे रिवाज बड़ा कम है, बहुत कम है, जो कि होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा ना आप जैसे मुजफ्फराबाद में मेरा ननिहाल है, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग जाते हैं, उनकी एक मखसूस मस्जिद है औरतों की, और वो लोग खुशी खुशी मतलब उनका एक रूटीन है कि हर ईद पे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है। यहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। उसके बाद क्या क्या रूटीन होता है? उसके बाद कोई स्वीट डिश बनाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ना वो चीज़ खत्म होती जा रही है, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना वो ईद के बाद ही स्टार्ट होता है ना। ईद पे तो इतना ज्यादा मेहमानों का नहीं होता। अभी मैं आते हुए यही सोच रही थी कि मैं क्या सवाल के जवाब दूंगी, लेकिन
क्या मतलब आपको क्या सो के गुजारते हैं फिर आप? हाँ, मतलब इस तरह हो गया है कि घर में चलते फिरते किचन से लेके कमरे तक वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद ये हो जाती है। ईद का नाश्ता हलवा पूरी और उसके बाद नींद पूरी। और जैसे हमने पूरे रमजान में हमने काम की होती, मेहनत की होती ना, तो हम ईद पे कितना हम रिलैक्स होके एंजॉय करेंगे एट होम। और ये चीज गलत है, आई नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी एक चीज है जो बहुत कॉमन है और हर कोई ये बात करता है कि अब ईद पे ना सिर्फ हम सोते हैं। शफात, आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि हलवा पूरी और फिर नींद पूरी? ईद के दिन का आगाज होता है सर नहाने से। हाँ, अहम है, बिल्कुल अहम मामला है वो भी, अगर बहुत अहम, बहुत अहम, और ये लोग मिस कर जाते हैं तो एक तो गर्म पानी चाहिए होता है, ये एक बड़ा मसला है, और अगर वो हो जाए तो उसके बाद नमाज पकड़नी होती है टाइम पे। बिल्कुल। अच्छा, नमाज के साथ थोड़ी देर वो बैठते हैं तो फिर मोबाइल उठाते हैं। हाँ, मोबाइल पे दो किस्म की मखलूकात आपको मैसेज करती है, एक वो ऑस्पिशियस वाले जो मैसेज करते हैं, वो वाहियात किस्म की ट्रकों के पीछे वाली शायरी करते हैं वो। तो सबको फिर बाद में इंडिविजुअली आपको खैर मुबारक कहना होता है, ये एक बड़ी तहरीक है। इसी दौरान आपके घर में मेहमानों की आमद शुरू होती है और मेहमान आके जो है वो जफियां डालना शुरू करते हैं। क्यों, जो आपने बात की सुबह का आगाज होता है नहाने से। अच्छा, अब जब जाहिर है हम ऐसे घरों में रहते थे जहाँ पर एक गुसल खाना हो और लोग ज्यादा हो, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी काउंट करती है कि अब लाइन लगी हुई है नहाने के लिए, ये भी होता था। True. बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे आप दरवाजे के नीचे आहिस्ता से जरा ना वो हाथ से पहले आराम से खटखटाते हैं उंगली को फोल्ड करके, फिर हाथ मारते हैं, फिर उसके बाद लात मारते हैं। कल बार भाई बस कर दे। सही। अच्छा अच्छा, देखिए शिफा, अब मुझे नहीं पता कि ये सवाल आप तजर्बे की बुनियाद पे कर रही हैं या आपको ये सवाल सिखाया गया। अच्छा, नहीं मुझे सिखाया नहीं है, मैंने ये देखा। अगर ये तजर्बे की बुनियाद पे, तो मुझे आपके घर में आने वाले मेहमानों से हमदर्दी है। हाँ, नहीं नहीं सिखाया नहीं है, ये बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद पे, लेकिन तजर्बा अपने घर में नहीं हुआ था, ये घर, ये किसी और के ही घर जाके मैंने भी देखा था कि उनके हालात क्या है। अच्छा, आपका जो एक ड्रामा आने वाला है शफात, आपकी तरफ मैं आऊंगा, नेहर। हम टीवी पर आ रहा है, हम टीवी पर, बिल्कुल। तो ये नेहर में आपका क्या किरदार है और आपको उस किरदार में ढलने के लिए अदाकारी तो करनी नहीं पड़ी होगी फिर? जी बिल्कुल, ऐसा ही है माशाल्लाह। हमारे डायरेक्टर हैं अली हसन साहब, उन्होंने जिस तरह से वो ड्रामा डायरेक्ट किया है तो मेरे अंदर का राक्षस उन्होंने पहचान लिया पहली नज़र में। इस पर मैं उनको और एक और हमारे दोस्त हैं महेश भाई, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस कैरेक्टर के लिए मुझे सोचा। मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं ये कर सकूँगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। स्टोरी ये है कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि फ्रॉड पे शादियां करते हैं। हाँ। और हमारे मीडिया के कई दोस्त हैं जो कि इस किस्म के तल्ख तजर्बात से गुजर चुके हैं। तो ये एक ऐसी ही एक कहानी है जो कि एक सीरियल क्या कहेंगे इसको, सीरियल ठग, वो जहाँ मतलब वो सीरीज में शादियाँ करते जा रहे हैं। हाँ, ठग है प्रॉपर। मैं वो मैटर बड़ा मैंने प्रतकल्लफ लफ्ज इस्तेमाल किया। और उसके उस पर सारी कहानी बेस करती है कि किस तरह से जहेज लूटा जाता है और क्या किया जाता है। सो मेरा किरदार उसमें वही नहीं वही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मतलब बुनियादी तौर पे। क्या बात है, जबरदस्त। तो अब आप इससे पहले कि आप हमें भी ठगें और हम आपके यहाँ होने का फायदा ना उठाएं, जरा एक वो जो ठगने वाली हंसी है, वो जो विलन की हंसी है, बड़ी मशहूर है, हर फिल्म में होती है वो आखिर में, बगैर वजह के, बगैर कोई काम ना, मतलब बगैर बात के, उसको विलन में हंसा आ जाता है और वो कहका होता है बाकायदा लंबा, वो तो जरा करके बताएं। हाँ, ये बात मैं भी आज तक नहीं समझा कि ये अमूमन जिन्नात को जाहिर करने के लिए एक हंसी आती है कि जी जिन आ रहा है तो हु हु करके हंस रहा है। यार इसमें क्या वाली बात, तुम पैदा हो गए हो ना, तुम्हारी पैदाइश में हमारा कोई ताल्लुक ना तुम्हारी मौत में कोई ताल्लुक, तुम आ गए हो सामने कैमरे पे आ हुआ कर रहे हो, व्हाट सेंस डज इट मेक। तो इसी तरह जो बाज अब जैसे अमरीश पुरी साहब होते थे तो वो भी आके ना टीवी पे बैठ के जब बैठे तो अजीब वो निकालते, जब भी मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना बहादुर, मेरे मन में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। उस किस्म की एक हंसी देते थे। आई मीन दिस डजंट मेक सेंस यार, एक बंदा नॉर्मल विलन भी हो सकता है जिसको हंसी नहीं आती, वो हॉलीवुड में होते हैं नॉर्मल विलन। हमारे यहाँ पे होंगे जिनके कपड़े भी बहुत अलग कलर के होंगे, बाल भी अलग कलर के होंगे, हंसी भी अजीब सी होगी, हमारा ये रिवाज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरीज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो क्यों विलेन वाले कैरेक्टर देते हैं ये ड्रामों में? आपका चेहरा देख के देखे बगैर देते हैं क्या? अच्छा, वो बहुत स्टार्टिंग में हुआ था कि मैंने फर्स्ट टू सीरीज किए थे जो नेगेटिव थे, उसके बाद मैंने जो ज्यादातर काम किया वो थोड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें भी वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें मतलब दबती नहीं है लड़की, मतलब सही होती है कि जवाब देने वाली, एक अक्लमंद, समझदार।
लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है उसके अंदर एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा लगता है, मुझे ये लगता है कि उसमें ज्यादा है। और वो आपके बिल्कुल मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कैरेक्टर से काफी डिफरेंट था, और फिर उस टाइम के एक्सप्रेशंस, वो बहुत मजे का एक्सपीरियंस था, स्पेशली बिकॉज एट द वेरी बिगनिंग ऑफ माई करियर, तो मुझे कुछ खास इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे डायरेक्टर्स ने मेरी बहुत सपोर्ट की कि उन्होंने मुझे समझ कर मुझे मतलब मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक उस चीज़ को ढाला कि वो बहुत ज़्यादा ये ना लगे कि फेक है। लेकिन इस तरह के लोग भी होते हैं जो शक्ल से मासूम लगते हैं लेकिन अंदर से बड़े पक्के होते हैं। हमें हमारी क्लास में एक लड़का होता था, वो कहता था जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता था होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल, तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा, हमारा चूंकि वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन 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 जाने से पहले आपको तो खैर इस किस्म के कैरेक्टर से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते होंगे। अच्छा, मैंने थिएटर में ज्यादा रिलेट कर सकते होंगे क्योंकि आपके तो बराबर में ऐसा कैरेक्टर मौजूद है। मुझे भाई घर जाके पहली चीज जो अपने वालिदैन से तो नहीं लेकिन अपने रिश्तेदारों वगैरह से पूछनी है कि शफात भी पेशावर के हैं, हम भी पेशावर के हैं, कहीं इनकी कोई जमीन जमीन तो नहीं मार ली थी कोई पुराने वक्त में, कोई प्लाट व्लाट तो नहीं कब्जा कर लिए थे, मतलब जितने प्लाट कब्जे किए थे उनमें कहीं इनका भी तो नहीं था, ये बात हो रही है। बस शिफा शिफा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, नहीं बता नहीं। हाँ, अच्छा हम एक काम करते हैं, अरीज की जहानत का थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं, यूं करते हैं एक छोटा सा एक ऐसी गेम मेरे जहन में आया क्योंकि मिमिक्री में तो जो हमारे पास शफायत अली साहब का नाम है वो टॉप मिमिक्री में आता है, टॉप पर है पाकिस्तान में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर हम यूं करें शफायत कि आप कोई दो तीन ऐसे चार ऐसे कोई पॉलिटिशियंस के या अपनी मर्जी के कोई एक्टर्स के चले एक्टर्स के कर लेते हैं, उनकी आप आवाज निकालें और ये गेस करें अरीज के कौन है, क्या ख्याल है? मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़े आजकल के जमाने के हो, थोड़े से पुराने आजकल के जमाने के हो, ये नई जमाने की है, हम तो तीनों ही पुराने। कुछ लोग ऐसे वो हर जमाने के, हुमायूं सईद है माशाल्लाह। हुमायूं सईद ने जब अपना पहला ड्रामा किया था तो अभी जो है वो स्टीम इंजन ईजाद नहीं हुआ था, तो माशाल्लाह हुमायूं भाई उस वक्त से लेके आज तक आप देखें रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है। तो घोड़ों पर चलते थे ना वो, तो सारे मामला ट्रांसपोर्ट के, वो मशकीजों में पानी पीने वाले मेरे ख्याल में। हाँ हाँ, अभी तो ये चल रहा था सब कुछ बिल्कुल। तो इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी खैर बारी बारी नाम लेंगे, लेकिन चले मैं एक पॉलिटिकल, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पहले मैं एक पॉलिटिशियन के शुरू करता हूँ और मेरा दावा है कि अरीज जानती होंगी वो। हाँ बिल्कुल सही। ओके अरीज, कैमरे में देखें, पूछते शुरू, चले जी स्टार्ट। अपना अरीज जो है मैं समझता हूँ बड़ी काबिल बच्ची है, बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, इसको जो है आप लोगों ने बुलाया है और फिर इसको शुरू में आपने वो जो है वो तो दो नंबर किरदार जो होते हैं वो वाले नेगेटिव करेक्टर जो हैं वो भी आपने जो है वो करवाया, कोई शर्म होती है और आवाज कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है और कोई एथिक होती है, वो बंदा मतलब देख के बुलाता है यार, इतनी वो नेगेटिव करेक्टर बतला दिए। जावेद चौधरी? जावेद चौधरी नहीं, पॉलिटिशियन है और नून लीग से इनका ताल्लुक है। नून लीग से एथिक्स होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उनका मशहूर डायलॉग है, बड़ा मशहूर डायलॉग है। शिवाश? नहीं 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 नहीं, वैसे आपको नाम आते हैं लोगों के नाम, नाम आते हैं मुझे ना, मैंने सुना है। अरीज मैं पहुंच गया हूं, अरीज मैं समझ गया हूं आपने अगले इलेक्शन में किसको वोट देना है। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धन नहीं होता। कौन? अरे बोलो ना रे। Good. Yes. That's very nice. That's Good. Very nice. और सिंगर, कोई सिंगर? हाँ भाई, ये आजकल का बड़ा मशहूर गाना है। अगला माँ मजबूरी नू आड़ जाड़ अली सेठी नू जहर बड़े आ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। और अब सिंगिंग की जो चूंकि बात हो गई है तो जाते जाते आप हमें क्या सुनाएंगी? ओहो, अच्छा बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो उस पे गाना आपका होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, दिल मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, तेरी चेहरे की ज़ुल्फ़ों की शाम, मेरा सब कुछ है पे आपसे तेरे नाम,
नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसीन। आफरी 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 ऐसे होना चाहिए छापा। थैंक यू, लेकिन आपने बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत ईद मुबारक एक मरतबा फिर आपको। शफात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन आज की ट्रांसमिशन में इतना ही, आप सब ने ईद के जो लम्हात थे कीमती लम्हात हमारे साथ गुजारे, हमारे मेहमानों के साथ गुजारे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।